आप लोगों को ऊपर एक पिक्चर नजर आ रही होगी जो कि उत्तराखंड के एक लड़के की है जिसका कि नाम प्रदीप मेहरा है। इस लड़के की एक क्लिप, वीडियो क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई है जो कि एक फिल्म मेकर ने डाली थी अपने ट्विटर हैंडल पे। अब आप इस वीडियो को आप देखेंगे हर जगह आपको दिख जाएगी, खासकर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई है। ये जो लड़का है वो काम करता है, एक मैकडोनल्ड में काम करता है, तो हमारी ही हॉस्पिटैलिटी का वो एक हिस्सा है। इवन वो गढ़वाल से है, आधी से ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग गढ़वाल से हैं जो कि बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं हमारे दिल्ली में या दूसरी सिटी में, और यहाँ पे आके रेंट पे रहते हैं बड़ी ही कम सैलरीज में। तो यहाँ पे जो फिल्म मेकर होते हैं वो रात के 12 बजे इसको बोलते हैं कि भाई मैं तुझे छोड़ देता हूँ जहाँ पे तुझे जाना है। पर ये लड़का बोलते नहीं, मुझे रोजाना 10 से 12 किलोमीटर घर जाना पड़ता है, पर मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे सेना में भर्ती होना है, क्योंकि उसका सपना है वो सेना में भर्ती हो। तो सल्यूट है यहाँ पे प्रदीप आपको। दूसरा, वो कुछ पैसे भी बचाना चाहता है ताकि वो उन पैसों को अपने घर भेज सके अपने माँ के इलाज के लिए। ये वीडियो वायरल होने के बाद जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट थी, जो कि मैंने न्यूज़ के में पढ़ा कि उसकी फैमिली को भी पूरी पूरी सपोर्ट की जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसके मदर को फुल सपोर्ट की जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, वो घर पे जाके खाना बनाता है अपने भाइयों के लिए ताकि वो भी वहाँ पे जाके नाइट शिफ्ट में काम कर सके। तो यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि आपको जब कोई भी नहीं देख रहा होता है तब भी आपको अपनी लगन के साथ काम करना पड़ता है ताकि आपके रिजल्ट आए। अब ये लड़का इतना वायरल हो गया है कि आप देखेंगे कि लोग इसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इवन एक फिल्म स्टार हैं विकी कौशल, उन्होंने तो अपनी स्टोरीज के ऊपर डाला है रिस्पेक्ट प्रदीप मेहरा लिख के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अपने इस चैनल पे मैं ये छोटी सी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी स्थिति में पता नहीं कितने ही लोग हैं जो कि हार मान बैठते हैं, पर यकीन कीजिएगा आपको हार नहीं माननी है, डट के खड़ा रहना है। जिस प्रकार से प्रदीप मेहरा का वक्त बदला है, आपका भी ज़रूर बदलेगा और आप भी एक दिन जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। जय हिंद।